नववर्ष के जश्न के लिए भारी संख्या में पर्यटक धर्मशाला सहित जिला के अन्य स्थानों पर पहुंच चुके हैं, जिसे देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक कांगड़ा डॉक्टर खुशहाल शर्मा ने कहा कि नए वर्ष के लिए धर्मशाला मैक्लॉडगंज को 11 सेक्टरों में विभाजित किया गया है, जिसमें से धर्मशाला को 5 और मैक्लॉडगंज को 6 सेक्टरों में बांटा गया है और नए वर्ष पर भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सबसे पहले तो नए नव वर्ष की इस आगमन के ऊपर इस संध्या पे आज के इस लास्ट डे ऑफ दी 2021 सभी धर्मशाला और जिला कांगड़ा के जो सभी वासियों को और जो बाहर से भी लोग आए हैं उनको जिला कांगड़ा पुलिस की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। और जो लोग यहाँ पर भी हमारे पड़ोसी राज्यों से यहाँ पे आए हैं, आपके माध्यम से उनसे ये अपील करना चाहूँगा कि आप जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसकी पालना करें, मास्क लगा कर रखें और अनुचित रूप से कोई ऐसा व्यवहार ना करें जो कि आप लोगों से अपेक्षित नहीं है। आप एंजॉय करें इस संध्या को और औरों को भी एंजॉय करें, करने दें, किसी प्रकार का जो है वो हुड़दंग ना मचाएं। इसके लिए हमने जो है वो जिला अपने कांगड़ा में हमारे जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उसमें खास करके ज़्यादातर लोग यहाँ पे मैक्लॉडगंज और धर्मशाला में आते हैं, पालमपुर में भी है, तो मैक्लॉडगंज धर्मशाला के लिए हमने इसको जो है अलग अलग सेक्टर में बांटा है, छोटे सेक्टर अपने पुलिस मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रैफिक पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग 6 सेक्टर हमने मैक्लॉडगंज एरिया के बनाए हैं और 5 सेक्टर जो हैं वो धर्मशाला एरिया के बनाए हैं और 5 रिजर्व में एक्स्ट्रा फोर्स हमने मांगी है जो कि डिप्लॉय कर दी गई है। और इसके अलावा जो है वो रात को खासकर विशेष निगरानी रखने का हमने आदेश दिए हैं ताकि कोई किसी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर इशू ना हो और लोगों को जागरूक करने के लिए थाना के गाड़ियों में भी और मैक्लॉडगंज में भी चौक में भी हमने लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को अवेयर करने की भी ड्यूटी लगाई है। जो सेक्टर हैं वो छोटे छोटे सेक्टर हैं उनमें मोटरसाइकिल राइडर हमारे रहेंगे सो दैट आगे पीछे आना है, गाड़ी को रोकना है या उसको अलाउ करना है ट्रैफिक को स्मूथ करने के लिए तो इमीडिएट रिस्पॉन्स हो। तो इसमें मेरी आपके माध्यम से सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने जो गाड़ियां हैं वो चिन्हित पार्किंग स्थलों में लगाएं, सड़क में ना लगाएं जिससे किसी और को कोई परेशानी हो और सबके लिए जो है वो ये जो नव वर्ष है ये अच्छे तरीके से मनाने में अपना योगदान दें। आदेश दे दिए, चलान उसमें होंगे, विदाउट मास्क के चालान भी करेंगे, लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं, पहले सैनिटाइज भी कर रहे हैं क्योंकि पिछले 2 सालों से आपने देखा कि लोग तो जागरूक, इतना तो लोगों को जागरूकता फैलाई गई है मीडिया के माध्यम से भी कि ये कोरोना वायरस। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से नृपजीत निप्पी की रिपोर्ट।